झारखंड के फॉल को एक्सप्लोर करते करते हैं पहुंच गए फिलहाल रजरप्पा में। बेसिकली दो चीज के लिए बहुत फेमस है, एक तो माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर है यहाँ पे और रजरप्पा फॉल भी है। वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंडली इंडियन, होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन एंड डूइंग योर बेस्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफर की और एक्सप्लोर करते हैं रजरप्पा को। अच्छा लग रहा है, नहा के मजा आ गया। तो जैसा कि बताया आपको कि बहुत ही फेमस है ये माँ छिन्नमस्तिके मंदिर के लिए, और पहले मंदिर का दर्शन करते हैं और फिर फॉल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। हालांकि मैं पहले भी 3 बार आ चुका हूँ यहाँ, बट भीड़ बिल्कुल ना के बराबर, दुकानों में इतनी चहल पहल नहीं दिखाई दे रही है। पूजा कर लिया हम लोगों ने मंदिर में फिलहाल, और पूजा का एक्सपीरियंस देंगे आपको ये अभिषेक गुप्ता, बहुत ही माहिर हैं। बहुत शांति से पूजा हुआ है, कोई भीड़ भाड़ नहीं था, बहुत अच्छा लगा। आप भी आना चाहें तो भी आ सकते हैं। मेजोरिटी लोग मास्क लगा के दिखाई दे रहे थे आपको, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखाई देंगे आपको यहाँ पे लोग, तो दिक्कत नहीं होगी कोई भी पूजा पाठ करने में, यहाँ भीड़ बहुत कम है, सो परफेक्ट टाइम है, आइए और दर्शन करिए। सो झारखंड के फॉल को एक्सप्लोर करते करते पहुंच गए हैं रामगढ़ जिले में, फिलहाल है रजरप्पा में और पूजा हो चुका है और नाश्ता करते हैं पहले, फिर आए का सफर तय करते हैं। मस्तिके माँ का मंदिर के अलावा भी यहाँ 10 मंदिर है और वहाँ पे भगवान शिव जी का मंदिर है, सूर्य मंदिर है। फिलहाल नाश्ता के लिए लोग आ गए हैं राज होटल में, मेन मंदिर के पास में ही है, वहाँ नाश्ता करते हैं और ऑर्डर दिया हम लोगों ने रोटी तड़का आलू की भुजिया। वहीं कुछ और मंदिरों की झलकियाँ दिखाते हैं आपको। तो मंदिर में आने के बाद यहाँ का जो वातावरण होता है, बिल्कुल आप लगता है पवित्र हो गए हैं आप, मैंने कुछ किए ही, बहुत ही अच्छा माहौल होता है जब भी आप कोई भी भक्ति वाले जगह जाते हैं, तो यू फील गुड एंड एक मेंटल पीस मिलता है आपको। तो प्लान तो था यहाँ के फॉल को एक्सप्लोर करने का, बट सोचा कि जब इतना फेमस जगह आ ही गए हैं तो थोड़ा पूजा पाठ भी कर लेते हैं। जो कोई भी रजरप्पा में दर्शन करना चाहते हैं, दिस इज अ परफेक्ट टाइम फॉर यू बिकॉज भीड़ काफी कम है यहाँ पे, दैट्स व्हाई। रजरप्पा जो है वो दो रिवर यहाँ पे मिलती हैं, एक दामोदर है, दूसरा भैरवी रिवर, इन्हीं दोनों जब नदियाँ मिलती हैं तो एक फॉल का निर्माण होता है और वो है रजरप्पा फॉल। तो हम बढ़ रहे हैं रजरप्पा फॉल की ओर और मेरी आंखें देख पा रही हैं फॉल को। रजरप्पा फॉल नजर आ रहा होगा आपको और यहाँ पे बोटिंग की भी सुविधा है, आप बोटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इंसान को जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है और ये टाल रहे हैं। क्या भाई चलना है कि नहीं? सुस्ता लेते सुस्ता लेते जब पूजा करने का बारी आया तो भाई साहब बहुत ही एक्टिव थे,
जब बारी आया फॉल को एक्सप्लोर करने का, देखने का, बोटिंग करने का, तो इज लाइक मैं नहीं जानता कुछ भी, मैं सुस्ता रहा हूँ अभी, मैं थक गया हूँ अभी। मिलते हैं आपसे जब ये मान जाते हैं तब। तो ये जो रिवर दिखाई दे रहा है ये आपका दामोदर रिवर है, और वो जो फॉल गिर रहा है दैट इज भैरवी रिवर। तो दोनों यहाँ मिलता है, और मैंने बताया था आपको कि दो नदियाँ मिलती हैं तेजरप्पा में ही, और तेजरप्पा फॉल का निर्माण होता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ दामोदर एंड भैरवी रिवर। पीछे आप देख सकते हैं बोटिंग की सुविधा है यहाँ पे, और अगर बोटिंग करना चाहते हैं तो पर हेड 30 रुपीज़ है फिलहाल इस अनलॉक की प्रक्रिया में। तो आइए पे करिए 30 रुपीज़ और बोटिंग का आप लुत्फ उठा सकते हैं। ये नजारा ऊपर से दिखा रहा हूँ आपको फॉल का एक बार। तो नाउ इट्स टाइम टू बोट, अब चलते हैं बोट पर, देखते हैं नजदीक से फॉल को। बोटिंग की यात्रा शुरू कर दी हम लोगों ने अब, और देखेंगे नजदीक से फॉल को। फिलहाल आपको एक 360 डिग्री का नजारा दिखाते हैं। तो देखिए नजारा कितना खूबसूरत है सब तरफ। तो फिलहाल हम लोग वहां पे थे, नाउ वी आर हियर। फिलहाल यहाँ भीड़ काफी कम है इस सीजन में बिकॉज ऑफ लॉकडाउन भी, हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, फिर भी जानते हैं कि लोकल आदमी की लोग अभी लॉकडाउन के चलते, अच्छा कोरोना के चलते, कोरोना के चलते धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगा। यहाँ कुछ लोग फिशिंग भी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह ये भाई साहब पूरा अपना वीडियो बनाने में पूरा मशगूल है। एक अमेजिंग नज़ारा देखने मिलेगा आपको, वरना ये चीज मिस कर देंगे आप, अमेजिंग एक्सपीरियंस। आइए बोटिंग शुरू करिए एक बार यहाँ। तो देख सकते हैं पीछे से पानी की धारा बह रही है, और ये है दामोदर रिवर। Now we are slowly moving towards the fall. है ना अमेजिंग नजारा। तो आइए तो बोटिंग मिस मत करिए रजरप्पा में। Amazing! तो देखा आपने कितना खूबसूरत नजारा है ये। हम फिलहाल है रजरप्पा फॉल पे रामगढ़ जिले में,
जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं आ गए हम लोग। अमेजिंग नजारा, सो अमेजिंग एक्सपीरियंस, जस्ट ट्राई वंस व्हेन यू कम हियर। ये भैया थे राजेश कुमार, तो अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। आइए आप लोग भी, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा अभी तो, ब्रदरपुर खुल गए हैं, आइए दर्शन कीजिए और नाव का मजा लीजिए। एग्जैक्टली, बोटिंग जरूर करिए यहाँ पे आने के बाद, बहुत मजा आएगा आपको। तो ये था रजप्पा फॉल का सफर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। एक खास बात ये थी इस फॉल में कि बाकी जगह आपको बोटिंग ऑप्शन नहीं मिलता है, बट यहाँ पे बोटिंग ऑप्शन भी है, ये काफी अमेजिंग रहा। और अगर फॉल के साथ साथ भगवान के दर्शन भी हो जाए तो क्या ही बात है। तो आइए, ये बहुत ही अच्छा टाइम है, भीड़ भाड़ बहुत कम है, और बोटिंग करिए, लुत्फ उठाइए। जो भी बेसिक सुविधाएं हैं यहाँ पे, चाहे वो सड़क की सुविधा हो, चाहे खाने पीने की सुविधा हो, वो पूरी अवेलेबल है। उस झारखंड के ऐसे ही फॉल्स को एक्सप्लोर करने फिर एक बार निकलेंगे और मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। तब तक बहुत अच्छा ख्याल रखिए अपना, एंड रिमेम्बर योर ऑसम, बिलीव इन योर सेल्फ। टिल देन, बाय बाय। न्यू ईयर में बहुत भीड़ होता है यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन नहीं है इस फॉल के बारे में। फिश प्लेस इज ऑसम, आप नहा भी सकते हैं यहाँ पे आके, यहाँ पे शांति में बिल्कुल, एंड वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अच्छा नहीं बोलना है, ओके। एक्चुअली खूबसूरती इतनी है कि बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। अमेजिंग नज़ारा, पानी को एंजॉय कर रहे हैं इस गर्मी में। एक फॉल ये भी है, छोटा सा,